यह खबर आपकी और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। दिल्ली में सांसों पर आपातकाल लग चुका है, आंखों में जलन है, गले में खराश है, सांस लेने के बाद घबराहट महसूस हो रही है। प्रदूषण की देखरेख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने हालात को देखते हुए दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है। दिल्ली सरकार ने भी एक्शन में आते हुए 5 नवम्बर तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ईपीसीए ने दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, छठ के मौके पर दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो हर वो तरकीब आजमाई जा रही है जिससे प्रदूषण को काबू में रखा जा सके। और वहीं दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण से लोगों का क्या हाल है, ये जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। सुबह का वक्त और मैं खड़ा हूं विजय चौक पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सफेद चादर ने पूरी तौर पर जो ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को अपने आगोश में ले चुका है। सफेद चादर, ये पॉल्यूशन का, प्रदूषण का ये चादर है। यहां पर लोग किस तरह से, अमूमन इस वक्त लोग यहां पर साइकिलिंग करते थे, घूमने आते थे और मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, लेकिन यहां पर आप वक्त देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। आप बताइए मास्क क्यों लगाए हुए हैं? बहुत पोल्यूशन है, वो होती है, इसमें जो है जो घबराहट सी होती है, इसकी वजह से लगाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली की आबो हवा किस कदर जो है पूरी तौर पर प्रदूषित हो चुका है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 से ज्यादा जो है पहुंच चुका है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि ये जिस तरह से यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे, लेकिन प्रदूषण के कारण लोग जो है मॉर्निंग वॉक छोड़ दिया है, और डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि सुबह में मॉर्निंग वॉक नहीं किया जाना चाहिए। भले ही जो है यहाँ पर दिल्ली सरकार ने स्कूल जो है स्कूल को बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से जो दिल्ली वासी हैं वो काफी परेशान हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विजय चौक, दिल्ली। जिस तरह से जो दिल्ली वासी हैं वो काफी परेशान हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, विजय चौक, दिल्ली। और देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर हमारे संवाददाता पहुंचे ताकि हर जगह की डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंचा सके। लोधी रोड पर प्रदूषण का किस तरह कहर है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की हवाओं में जहर साफ नजर आ रहा है। सांस लेना दुश्वार हो चला है। जो सांस ले रहे हैं उनको तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। सर दर्द हो या पेट मरोड़ की तमाम शिकायतें देखने को मिल रही है, क्योंकि मजबूर है कि दिल्ली सरकार लगातार दावे करती रही कि पानी का छिड़काव करेंगे या कोई ऐसा वैकल्पिक इंतजाम करेंगे जैसे दिल्ली में प्रदूषण का लेवल कम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस समय अगर हम पैरामीटर की बात करें तो आप खुद देखिए जिस हिसाब से यहां पर एयर क्वालिटी बताई जा रही है, PM2.5 500 और PM10 500, यानी आज की डेट में आप देखेंगे खुद तो दोनों 500 लेवल पर हैं, यानी डेंजर जोन से काफी ज्यादा। अभी भी स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही, और वही कल छठ पूजा है, सियासत छठ घाट की तो हो रही है, लेकिन हवा शुद्ध कैसी होगी इस पर कोई सियासत या कोई बात करने के लिए आगे सामने नहीं आ रहा। अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो साफ है दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। आज सुबह सुबह भी धुएं और धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी। शहर के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर पर था। कमोबेश यही हाल दिल्ली के आसपास के शहरों का भी है। वहीं कई जगहों पर स्मॉग से राहत के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। कहीं पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया गया, कहीं बिल्डिंग निर्माण के काम को रोक दिया गया। कवायद हर तरफ से सिर्फ यही है कि आखिर किसी तरह से प्रदूषण से निजात मिल सके, सेहत दुरुस्त रह सके। और दिल्ली के गाजियाबाद में हवा में कितना जहर है, इसकी जानकारी भी ली मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण गाजियाबाद में है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं। मैं गाजियाबाद में इस समय मौजूद हूं, और सुबह के वक्त जो मॉर्निंग वॉक पर लोग आते थे उनकी संख्या काफी
कम हो गई है। पहले मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं, गाजियाबाद में आज भी शॉकिंग नतीजे सामने आए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में अगर बात करें तो 467 के आसपास ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। लोगों को आप देखेंगे मास्क लगाकर रोड पर वो निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या फिर अपने दूसरे गंतव्य तक जा रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं, सर ये बताइए इस समय क्या महसूस हो रहा है, कितनी परेशानी भरा है? परेशानी तो है और बहुत ज्यादा है, खासतौर से गाजियाबाद में, दिल्ली से भी ज्यादा। अच्छा, मॉर्निंग आप सुन सकते हैं कि मास्क लगाया है और अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग आपको रोड पर दिखेंगे जो मास्क लगाकर ही मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं या अपने दूसरे गंतव्य तक जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने यह सलाह दी है कि अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा घर के भीतर ही रहें। और एक WHO की स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि इंसानी उम्र इस प्रदूषण ने घटा दी है, 7 साल तक इंसानी उम्र कम हो गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉर्निंग वॉक हो या फिर लोगों की जो संख्या की अगर रोड पे बात करें तो वो पहले के मुकाबले कम होती हुई दिखाई दे रही है। और कब तक ये स्थिति बनी रहेगी ये अभी कह पाना मुश्किल है। दिवाली के बाद से लगातार स्थिति बद से बदतर हो रही है, जिसमें आम आदमी का सांस लेना दुभर होता जा रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने, साफ तौर पर कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। 5 दिन से यहां रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है। जिस खुली हवा में सांस लेने लोग पहुंचते हैं उसी हवा को खींचने पर सिगरेट की तरह खतरनाक धुआं फेफड़ों में जा रहा है, हालात भयावह है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल ने दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मगर ये नौबत क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। धुएं से घुट रहा दम, नहीं दिख रहा आसमान। पड़ोसी राज्यों में बेखौफ पराली जला रहे किसान। दिवाली के दूसरे दिन से ही दिल्ली NCR धुएं की वजह से गैस चैम्बर बना हुआ है, मगर शुक्रवार को हालात ज्यादा गंभीर हो गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA ने दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। EPCA ने दिल्ली, हरियाणा और UP के मुख्य सचिवों को भेजी चिट्ठी में निर्देश दिया है कि 5 नवंबर तक दिल्ली NCR में निर्माण कार्य पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हॉटमिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर भी 5 नवंबर तक नहीं चलेंगे। नेचुरल गैस के अलावा दूसरे ईंधन का इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। पूरी सर्दी दिल्ली NCR में पटाखे जलाने पर भी प्रतिबंध है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की इन तस्वीरों के जरिए आप NCR की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर से कम है, सांसों में घुटन और आंखों में जलन से लोग बेचैन हैं। ऑब्वियसली दिक्कत तो आ ही रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है, किसी को थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिक्कत तो ऑब्वियसली आपको सबको ही दिख रही होगी। ये मेरे बोलने से नहीं, सबको ही पता चल रहा होगा कि हमने कभी इतना पॉल्यूशन देखा नहीं है। चलते रोड में हमको जैसा कोहरा दिख रहा है वो कोहरे से काफी फर्क लग रहा है। कई बार ऐसा लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं वो हैं जो सीरियस किस्म के हैं। तो जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का नंबर है वो समाज में, कम्युनिटी में ट्रू डिजीज लोड का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय घर पर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और उसकी कंफर्मेशन सारे मेडिकल स्टोर से हो चुकी है। आपने सुना होगा कि सिगरेट पीने से फेफड़े में जमा होने वाला टार आपकी जान ले सकता है, मगर NCR में उसके लिए सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हालत है उसमें दूध मुहे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रोज 20 से 25 सिगरेट का धुआं यूं ही खींच रहे हैं। वो कैसे, ये समझिए। आपके यहाँ हवा में PM2.5 का जो स्तर है उसे 22 से भाग कर दीजिए। जितना नंबर आए समझिए आपने 24 घंटे में उतनी ही सिगरेट पी ली। अब ये भी देखिए कि किस इलाके में प्रदूषण किस स्तर पर पहुंच गया है। सोनिया विहार 406, अशोक विहार 446, नेहरू नगर 429, ITO 415, पंजाबी बाग 428, गाजियाबाद 620, नोएडा 615। दिल्ली NCR में प्रदूषण के इस हालात की सबसे बड़ी वजह है हरियाणा, UP और पंजाब के किसानों का खेत में पराली जलाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है।
मगर किसानों का कहना है कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये साड़ी मजबूरी है जी, अग लाउणी, होर कोई हल नहीं है जी इहदा। ते बाकी अधिकारी जी सानू धमकियां दिंदे आ वी असीं परचे पावांगे जी, ते ऐसी खेतां च बढ़न नहीं दिंदे जी उहनां नूं। वहीं हालात गंभीर होते देख सोमवार तक स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया है और मुख्यमंत्री केजरीवाल स्कूली बच्चों को मास्क बांटते नजर आए हैं, जो इस हालात के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर किसान क्या करता है, उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में, एक दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं, इसका जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रदूषण कैसे कम हो, इसकी चिंता करें, उसका पालन करें, ये करने की जरूरत है, लेकिन ये छोड़कर आपस में दोषारोपण करने लगेंगे तो कच्ची चिट्ठियां तो बहुत खुलेंगी, लेकिन जनता को प्रदूषण से राहत देना हमारा सबका मिलकर काम है। सवाल है कि जो बातें अभी की जा रही हैं, उन पर अमल पहले से क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकारों ने दिल्ली वालों के बारे में सोचा और पराली जलाने पर सख्ती बरती? क्यों नहीं केजरीवाल सरकार ने पहले से ही एहतियात बरते, जिससे आज हालात भयावह हो चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, पर समझिए आप कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से ही दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के बादल छाए हुए हैं। पराली जलाने पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, देखिए विपिन परवार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा में लगातार पराली जलाने के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम पंजाब के माजरी गांव में मौजूद हैं। अभी भी पंजाब सरकार की ओर से जो बैन लगाया गया था कि पराली को आग ना लगाएं, उसके लिए अल्टरनेटिव्स जो है वो करने की बात की गई थी, लेकिन किसान जो है उनका ये कहना है कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि जो पैडी क्रॉप है, जो धान की फसल है, उसकी कटाई के बाद जो है यहां पर जो है अभी भी किसान आग लगा रहे हैं अपनी पराली को, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि सरकार बैन तो लगा रही है, मुकदमे तो दर्ज कर रही है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव जो है वो पराली को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए नहीं किसानों को दिया जा रहा। ऐसे में लगातार जो एयर क्वालिटी है, जो वायु प्रदूषण है या फिर स्मोक की बात करें, उससे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड है और हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों में किसान इसी तरह से पराली जो है वो लगातार जला रहे हैं। दिवाली के बाद ये जो पॉल्यूशन लेवल है, ये जो प्रदूषण का लेवल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं किसानों का ये कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई भी अल्टरनेटिव जो है इसे डिस्पोज ऑफ, यानी कि इस पराली को डिस्पोज ऑफ करने के लिए नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता इसे जलाने के सिवाय। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, माजरी गांव, पंजाब। अब ये जो प्रदूषण का स्तर है, इसे देखने के बाद 2015 की एक तस्वीर खुद ब खुद दिमाग में कौंध जाती है, इंसान के फेफड़ों की तस्वीर। जी हां, 2015 में डॉक्टर त्रिहान ने अपनी रिसर्च के बाद ये तस्वीर जारी की थी। दो तस्वीर आपके सामने देखी है, ये दो फेफड़े हैं, एक हिमाचल प्रदेश में रहने वाले शख्स के और दूसरा दिल्ली में रहने वाले शख्स के। हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड बेहद कम है हिमाचल प्रदेश में, जबकि दिल्ली में इसकी मात्रा बेहद ज्यादा है, और फेफड़ों का जो फर्क है दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के शख्स का, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में रिकवरी जल्दी हो जाती है, जबकि दिल्ली में ऐसा होना नामुमकिन सा दिखाई देता है।